ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال صلى الله عليه وسلم محترم بزرگان دین ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں اور ہماری ماؤں بہنوں جن تک یہ آواز پہنچ رہی ہے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں علی آباد دریا آباد کے قریب جو علاقہ ہے علی آباد کا سیرت النبی کے عنوان کے تحت کچھ دین کی بنیادی باتیں جاننے سمجھنے اور سمجھنے کے بعد عمل کرنے کے لیے اس لیے کہ جو بات سنی جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے تو کل قیامت کے دن ہمارے لیے ایسے کان میں سیسا پلا کر ڈالا جائے گا ہمیں سننا بھی ہے سمجھنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے اس لیے کہ اسلام کا تعلق بغیر عمل کے ہے ہی نہیں جس کو شاعر نے بھی بڑے اچھے انداز سے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے یہ تو ایک شاعر نے کہا ہے لیکن اللہ نے کیا کہا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ارے کون ہے جو اللہ سے دوستی کرنا چاہتا ہے دوست لوگ بہت بناتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کو دوست بنانے کی کوشش کرتے ہیں وزیر بن جائے پیسے والا بن جائے دولت والا بن جائے تو کیا ہمارے دل میں کبھی یہ خواہش بھی ہوئی کہ اللہ سے دوستی ہو جائے اللہ کا دوست ایک ابراہیم تھا جس کو اللہ نے خلیل اللہ کہا کیوں کہا اس نے قربانی کرتے 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 بیٹے کو بھی اللہ کے لیے ذبح کر دیا
और दूसरा सबसे आला खलील मोहम्मद अरबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। आपकी भी सिफत खलीलुल्लाह बयान की गई है। तो अल्लाह क्या कह रहा है, इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा। वो लोग जो ईमान कामिल लाए और अमल सादे किया, अल्लाह उनसे मोहब्बत करते हैं। और जब अल्लाह मोहब्बत करने लगे, अल्लाह चहीता बन जाए, तो दूसरी आयत में अल्लाह ने कहा इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। हमारी दोस्ती से फायदा क्या होगा, जन्नत में चैन और जन्नत में सबसे आला मकाम जन्नतुल फिरदौस। तो दोस्ती अल्लाह से कैसे हो, उसको समझने के लिए यहां बैठे हैं। क्योंकि अल्लाह की दोस्ती में बीच में जो वास्ता है वो रसूलुल्लाह का है। बगैर रसूलुल्लाह के हम अल्लाह को पहचान ही नहीं सकते। इसीलिए अल्लाह ने अपने कलमे में रसूलुल्लाह को जोड़ दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। और एक जगह तो कहा अल्लाह की मोहब्बत पाने का जीना रसूलुल्लाह की मोहब्बत और इत्तिबा है। قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني। अल्लाह क्या कह रहा है, ऐलान कर दो, बता दो सबको, अगर तुमको अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरी पैरवी करो, मेरे नक्शे कदम पर चलो। तो क्या होगा, युहिब्बुल्लाह अल्लाह मोहब्बत करेगा, युहिब्बुकुमुल्लाह। और जब अल्लाह की मोहब्बत होती है तो क्या होगा, अल्लाह सारी जिंदगी बेहतर बना दे, और इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं है। लोगों रहमत बरस रही है तो ये रहमत बरसना फाले नेक है। बेशक हम भी अल्लाह उसके रसूल की रहमत बरसाने आए हैं, हम अल्फाज में बरसा रहे हैं, अल्लाह हकीकी रहमत बरसा रहा है। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा साइडों में हो जाए चाहे, और अगर भीग भी जाए और बीमारी का खतरा ना हो तो ये रहमत की बारिश है, सहमत की नहीं है। हाँ अगर कमजोर लोग हैं, बीमार हो सकते हैं, तो उनको चाहिए कि साइड में हो जाए, एहतियात भी जरूरी है, लेकिन छोटी मोटी बारिश इससे अच्छा फाल लेना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फाल अच्छा लिया करो, अगर तुम काम से जा रहे हो और रास्ते में आवाज आई या राशिद, हाँ ये सोचो काम हो जाएगा, या अफलाह, हाँ काम हो जाएगा। तो लिहाजा जहां पर नूर हिदायत बरसता है वहां बारान रहमत भी हो रही है। अल्लाह हम सब के लिए इसको वाकई हकीकी रहमत बना दे, आमीन, खैर बना दे, आमीन। अल्लाहुम्मा अग़िसना ग़ैसन मुग़ीसन नाफ़िअन ग़ैर ज़ार आजिलन ग़ैर आजिलिन। और जैसा कि अभी मौलाना ने कहा अल्लाहुम्मा हवा इलैना ला अलैना, ये तो अल्लाह के रसूल ने एक खुतबे में कहा था, इसलिए कि एक मर्तबा तकरीर की, जिहाद के लोग आए, गेहूं सूख रहा है, भल्ला नहीं हो रहा है, कहर पड़ गया,
तो अल्लाह के रसूल ने से कहा दुआ कर दीजिए। अल्लाह के रसूल ने उसी खुतबे में जब दुआ तकरीर की तो कहे था देख के चारों तरफ पागल आने लगे और आने के बाद ऐसे बरसे ऐसा बरसा कि पूरा हफ्ता बरस कर पूरे हफ्ते। लिहाजा फिर उसके बाद दूसरे हफ्ते आप तकरीर कर रहे थे, फिर देहात के लोग आए तो कहने लगे अल्लाह के रसूल बहुत बारिश हो गई, जमीनें बिल्कुल तर बतर। तो अल्लाह के रसूल ने कहा भाई ठीक है, अल्लाह से रहमत के रोकने की दरख्वास्त जायज नहीं है, हाँ हमारे लिए बहुत आ गया, दूसरे को दे, तीसरे को दे, चौथे को दे, ये पैगाम है इसमें। अल्लाहुम्मा हवालेना ला अलेना, ए अल्लाह हमारे लिए काफी हो गई, अब अतराफ में बरसा दे। सुभान अल्लाह, ये सबक है इसमें हम लोगों के लिए। एक एक हदीस जिंदगी बदलने वाली है, अगर इस हदीस पर हम अमल कर लें तो आज हसद और कीना खत्म हो जाए, बेशक हसद और कीना खत्म हो जाए। हमारा अल्लाह ने माल दे दिया, हमें दौलत दे दी, हमें हुस्न दे दिया, तो हुक्म क्या है, दुआ करो हमारे भाई को भी दे दे, मोहल्ले को भी दे दे, इलाके को भी दे दे, सबको माल अमाल कर दे, ये हुक्म है। ये हुक्म नहीं है कि अल्लाह फला से छीन ले, ये हसद है कीना है जो हराम है। और ये खुन ये मर्ज आज उम्मत के हर आदमी को लग गया, हमको भी लग गया है, तुमको भी लग गया है, मदारिस को भी लग गया है, खानकाहों को भी लग गया है, उलमा को भी लग गया है, आवाम को भी लग गया है। हमारी ये तमन्ना नहीं होती ये इतारा भी चमक जाए, ये आलिम भी चमक जाए, अल्लाह इसको भी माला माल कर दे, बल्कि हर वक्त यही अल्लाह इससे छीन ले, अल्लाह इससे छीन ले, अल्लाह इनको ना दे। कल अल्लाह कहेगा तुम हमारे अताया पर दरोगा बनाए गए थे, जिम्मेदार बनाए गए थे, हमने तो कहा था और रसूलुल्लाह ने ऐलान किया था, वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कान अल अब्द फी औनि अखी, अल्लाह मदद करता रहता है जब तक एक इंसान अपने दूसरे इंसान भाई की मदद करता है, बेशक हर लाइन में। इसलिए जो सुने इस इरादे से बैठे कि हम सुनेंगे और सुनने के बाद जिंदगी में लाएंगे, इंशाल्लाह अगर आपने इतना इरादा अभी कर लिया, बहुत से लोग हैं हो सकता है इनकी कोई नियत ना हो, बहुत से लोग हैं जिनकी नियत हो, बहुत से लोग हैं कि भाई चलो हर साल जलसा होता है, इस दफा देखें कौन मौलाना है क्या बोलते हैं, ये नहीं सोचना है, वरना यहाँ बैठना वबाले जान बन जाएगा। या हसरता मा फरतु फी जंबिल्ला, मौत के बाद चीखोगे हाय कुरान पढ़ा गया, अहदीस पढ़ी गई, नबी की बातें बतलाई गई, लेकिन हमने जिंदगी में नहीं उतारी, हाय मान लेते मान लेते। और अगर आपने नियत कर ली, कुरान सुनने आए हैं, अहदीस सुनने आए हैं, सीरत पाक सुनने आए हैं, और सुनने के बाद अपने घर में अपनी जिंदगी में अपने आलियाबाद में ऐसा माहौल बना देंगे कि रहमत बरसती नजर आए, तो फिर अल्लाह आपसे क्या कहता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ए अलियाबाद के लोगों हमको याद कर लो। कौन कर रहा है, अल्लाह। तो क्या करेंगे, हम तुम्हारा तज़किरा करेंगे अरश-ए-इलाही पर, भलाई आला के फरिश्तों में,
इतने आप मुअज्जज हो गए, आप तो यहाँ एक देहात में ऐसी खराब जगह पर, लेकिन अल्लाह के तस्किरे की वजह से आपका अल्लाह नाम ले लेकर आसमानों में तस्किरा कर रहा है। इसमें शक नहीं है, कलाम पर हक है, अल्लाह का फरमान पर हक है। फस्कुरूनी अस्कुर को हमको याद करो, हम याद करो। और फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल को कुरान के तर्जुमान, कुरान की तशरीह करने वाले, आपने क्या फरमाया? जो आदमी कुरान और हदीस सुनने के लिए, दीन सीखने के लिए कहीं से आता है, बैठता है, तो फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं। फरिश्तों के परों पर आप पैर रखते हुए आए हैं। सुभान अल्लाह। इससे बड़ा दुनिया का कोई कालीन हो सकता है? नहीं। ईमान पैदा करो, हरारत पैदा करो। सहाबाए किराम ओहद में जाते थे, मैदान कारजार में है, क्या कहते थे? फसलो रब्बी काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। क्यों? जन्नत सामने है, दीदारे जन्नत दुनिया में करते थे। तो हम भी तो उन्हीं की औलाद है। और इस महीने में तो 24 घंटे सहाबा 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 सहाबा, जिनके जबान में सहाबा है, हाथ में सहाबा नहीं, दिमाग में सहाबा नहीं, पैर में सहाबा नहीं, तो क्या सिर्फ जन्नत में जबान जाएगी, पूरा जिस्म जहन्नम में जाएगा? अरे बताओ, तराना पढ़ने वाले बताओ, गाने वाले बताओ, कितने लोग हैं आज के दिन में सड़कों पर गाना गा रहे हैं, तराने पढ़ रहे हैं? बहुत मुबारक हो, लेकिन अजान हो रही है, अजान का जवाब नहीं दे रहे, नमाज नहीं पढ़ रहे। कल उनको दुर्रे मारे जाएंगे, उनकी जबानों पर ताले लगा दिए जाएंगे। खेल नहीं है दीन, अगर खेल होता तो अबू बकर और उमर, उस्मान और अली के खून की नदियां बहती, मारे जाते थे, घसीटे जाते थे। आप इसको सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं फजाइल आमाल में, मुंतखब अहादीस में, दीन की चीजों पर, लेकिन कभी सोचा? तो इसलिए हम इस इरादे से बैठे कि इंशाअल्लाह अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जो सुना है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे और माहौल बदल देंगे इंशाअल्लाह। बहुत ही इख्तिसार के साथ सीरत पाक, बहुत लंबा मौजू है, लेकिन बहुत ही इख्तिसार के साथ बुनियादी चीज है। ये जो महीना है, आज 13 तारीख है, अहादीस में, सही सनदों में, सही तारीख में हमारे सारे बड़े बड़े मुहक्किकीन ये बात कहते हैं, अल्लाह ने इस दुनिया की हिदायत के लिए जो दिन मुकर्रर किया वो 9 रबीउल अव्वल, 9 याद रखिए, 9। बाज लोग कहते हैं 12, लेकिन वो ज्यादा ताकत नहीं, असल बात, सही बात 9 रबीउल अव्वल। सुबह सादिक के बाद, सूरज के तुलू होने से पहले अल्लाह ने इस दुनिया के निजाम को बदलने के लिए वो नूर हिदायत भेजा आमना के पेड़ से, कि हजरत आमना ने उस नूर हिदायत को आंखों से देखा। रिवायतों में है कि जिस वक्त आपकी विलादत हुई, हजरत आमना फरमाती हैं कि शाम के इलाके रोशन हो गए। मक्के में पैदाइश हो रही है और रोशनी शाम तक पहुंच गई, कैसो भी अतराफ
और अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसका मतलब यह है कि दीन इस्लाम हर जगह फैल जाएगा। ये पैदाइश के वक्त हुआ और उसके बाद दादा बहुत खुश हुए क्योंकि वालिद नहीं थे, लिहाजा दादा गोद में लेकर अल्लाह के रसूल को काबे में ले गए और फिर नाम रखा मोहम्मद। अजीब नाम था, नया नाम। सबने कहा अरे अब्दुल मुत्तलिब ये नाम कैसे रख दिया, कहने लगे कि इसके गुण गाए जाएंगे। अल्लाह जुमले निकलवाता है। आज दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं जहां मोहम्मद अरबी का तस्किरा ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाह का तस्किरा है, रसूलुल्लाह का तस्किरा लाजिम है। यूरोप हो, अमेरिका हो, हर जगह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हर जगह गूंज रहा है। इसी को अल्लाह ने फरमाया वरफअना लका ज़िक्रक, तुम्हारा इतना बुलंद तस्किरा करेंगे कि दुश्मन तो नेस्त नाबूद हो जाएगा, तुम्हारा नाम दरो दीवार लेंगे। ब्राजीलर है तो ये अल्लाह के रसूल की पैदाइश। और उसके बाद रिवायतों में ये भी है बड़े बड़े वाकयात पेश आए। ईवान किसरा जो सबसे बड़ी हुकूमत थी, जैसे कि आज रूस है, अमेरिका है, यूरोप है, उसके महल के बड़े बड़े कंगूरे खा गए, कितने गिरजा गिर गए, मजूसियों की आग बुझ गई। ये सब रिवायतों में है। आप तारीख की अहम किताबें पढ़िए, सारा तस्किरा मौजूद है। और उसके बाद अल्लाह के रसूल की रहमत दाई हलीमा के जरिए हर आदमी ने पढ़ा है, सुना है, अल्लाह के रसूल को गोद में लिया तो ताकत आ गई, जवानी आ गई। एक लाकर कमजोर औरत ताकतवर बन गई, और जब सवारी पे बैठे तो सवारी भी रहमते खुदावंदी से ऐसा माला माल कि जिसके अंदर दूध के कतरे नहीं थे, दूध ही दूध भर गए। जब घर पहुंचे हैं, घर ले गई हैं, पूरा घर नूरानी बन गया। काफले काफले में सबसे आगे निकल गई, ये दाई हलीमा का हाल। 2 साल अल्लाह के रसूल दाई हलीमा के आ रहे हैं, क्योंकि दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल है। यही राजे कौल है अनाफ की आमी, चारों अइमा का यही कौल है। उसके बाद वापस लाई आमना के पास, हजरत आमना ने देखा बच्चा तो बड़ा तनोबंद है, इसको आबो हवा रास आ रही है, तो माँ ने कहा अरे 2 साल और रखो। और हजरत दाई तो ये चाहती थी, फौरन ले गई, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। 4 साल अल्लाह के रसूल दाई हलीमा के यहाँ रहे, 4 साल। जब 4th साल हुआ अल्लाह को एक बड़ा वाकया, 4th साल अल्लाह के रसूल खेल रहे थे दाई हलीमा के बच्चों के साथ, अचानक कोई आया, अल्लाह के रसूल को पकड़ा, लिटा दिया और सीना चाक कर कलेजा निकाला, और एक तश था आबे जमजम उसमें था, जन्नत का तश, उसमें आबे जमजम, उससे कलेजा धोया, एक टुकड़े को निकाल के फेंक दिया और फिर कलेजा अंदर किया गया। सारे बच्चे भागे हुए गए और कहा कि हलीमा तुम्हारे लाडले को मार दिया गया। दाई हलीमा भागी हुई आई, देखा अल्लाह के रसूल बैठे हैं घबराए हुए, पूछा क्या हुआ, पूरा वाकया बतलाया। अब दाई हलीमा समझी कि शायद दुश्मन पैदा हो गया, लिहाजा अब अम्मा के पास पहुंचा दो। फौरन वालदा के पास ले गई, तो 4 साल के बाद आप माँ के पास पहुंच गए। 2 साल अभी रहे हैं माँ के पास, अल्लाह ने कहा ए माँ तुम्हारा काम खत्म हो जाओ। बाप को बुला लिया जब अभी माँ के पेट में थे, जबकि बाप को नजर पर कत्ल करना अब्दुल मुत्तलिब ने नजर मार ली, लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं
इस बाब के जरिए तो रहमतुल आलमीन को आना है, इसलिए हम इसको पहले बचाएंगे और उस हद तक बचाएंगे जब तक जरूरत है, जरूरत खत्म तो बाप को बुला लेंगे। लिहाजा शादी हुई, मियां बीवी का ताल्लुक हुआ। अब अल्लाह के रसूल के बाप का दुनिया में रहना कोई जरूरत नहीं रही, तो माँ के पेट में यतीम हो गए। 6 साल में माँ के पास रहे, माँ भी चली गई। फिर दादा ने बड़ी मोहब्बत की, यहाँ तक के 2 साल दादा के पास रहे। अभी 2 साल ही रहे थे, ऐसा शफीक दादा गोद में बिठाता था, इज्जत देता था। जबकि अब्दुलमुत्तलिब बड़े ही कर्रफर के आते थे, पेटों को गरीब नहीं करते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल आखिरी दर्जे से मोहब्बत करते। 8 साल, 2 साल के बाद अल्लाह ने कहा अरे तुम भी आ जाओ, तुम्हारा काम खत्म। अल्लाह दुनिया के एक एक सहारे को छीन रहा था ये बताने के लिए कि इसकी हिफाजत, इसकी निगहदार, इसकी सारी चीजें हम करेंगे, कोई नहीं कर सकता। अब्दुल मुत्तलिब चले गए 8 साल में। उसके बाद चचा अबू तालिब, अबू तालिब ने कहा हम हैं जो इसकी हिफाजत करेंगे, हम इसको देखेंगे। लिहाजा सगे चचा अबू तालिब अल्लाह के रसूल के जिम्मेदार बन गए। और फिर अबू तालिब ने मोहब्बत की इंतहा कर, ऐसी कुर्बानी किसी ने नहीं दी होगी जो अबू तालिब ने दी है अल्लाह के रसूल के लिए। ऐसी कुर्बानी के 7 साल जब गुजरे हैं, क्या नहीं हुआ, यहां तक के नबुव्वत के बाद 7 साल के बाद 3 साल अबू तालिब और खानदान ने पत्ते चबाए हैं। तो इस तरह अल्लाह के रसूल की तरबियत अबू तालिब, अबू तालिब ने देखा जवान हो रहा बेटा, अल्लाह के रसूल 13 साल के हो गए, 13 साल के हुए तो अबू तालिब ने कहा इसको तिजारत सिखाओ, बैनुल अक्वामी तिजारत अपने साथ ले गए। और तिजारत में रास्ते में थे, कयाम किया तो एक जगह एक राहिब आया और राहिब ने देखा अरे बच्चा कौन है, देखा कि दरस सलाम कर रहे हैं, हजर सलाम कर रहे हैं, पूछा ये कौन है, तो लोगों ने कहा अबू तालिब का ये वो है। तो अबू तालिब से कहा सरपरस्त हो तुम, इस बच्चे को आगे ना ले जाना, इसके अंदर नबुव्वत के आसार हैं, इसको वापस कर दो।